नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमृत में और इस जम्मू के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है यहां के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं किन चीज़ों को लेकर वो आज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपना सेपरेट कॉलेज चाहिए। यहाँ 3 कॉलेज की क्लासेस चल रही है, इस कारण से भीड़ बढ़ जाती है और हमारा क्लास हो नहीं पाता है। हमें प्रॉपर क्लासरूम नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया, 1 महीना हो गया, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है। प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी चाहिए हम लोग को। बाकी दोनों कॉलेज का फैसिलिटी हमसे बेहतर मिल रहा है। कौन कौन हमारा है, कौन कौन सा यहाँ पे 3 जो बता रहे हैं? मोही कॉलेज, लखीसराय और मुंगेर कॉलेज, तीनों कॉलेज चल रहा है और कैंपस जमुई का है। तो हमारा कैंपस है, हमें प्रायोरिटी मिलना चाहिए। आए दिन उन लड़कों के साथ धमकी दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या चीज को लेके आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग का कॉलेज इंडिपेंडेंट चाहिए। तो अभी क्या समस्या हो रही है इसकी? समस्या है कि यहाँ पे लखीसराय और मुंगेर दोनों का कैंपस चल रहा है, जबकि कैंपस ये जमुई का है। यहाँ पे 3 कॉलेज का कैंपस चल रहा है, तो उन लोग का क्लास के चलते हम लोग का क्लास नहीं हो पा रहा। उन लोग का क्लास प्रॉपर चलता है, लेकिन हम लोग का प्रॉपर क्लासरूम तक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है सर। यहाँ बेसिक समस्या ये है सर, लाइब्रेरी जो है सर खुलता नहीं है सर। 7 दिन सर लाइब्रेरी में ताला लगा हुआ रहता है। कारण क्या है? कारण यही है कि सर बोलते हैं उनका मनमानी है कि हम नहीं खोलेंगे, हम सरकारी स्टाफ है, हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमको कोई यहाँ से नहीं भगाएगा, हम लाइब्रेरी यहाँ नहीं खोलेंगे, तुम लोगों को किताब नहीं देंगे, तुम लोगों को लाइब्रेरी में बैठे नहीं देंगे। अरे इतना गर्मी है लाइब्रेरी में एसी नहीं चलेगा, मतलब कुछ नहीं करना है। हम लोग पूरा डांटते हैं, प्लस हम लोग का फोटो खींच करके प्रिंसिपल पास शिकायत लेके जाते हैं, रोल नंबर लिखवाते हैं, हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है और डांटा जाता है प्रिंसिपल सर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है, जीएससी जमुई। हम लोग को बस प्रॉपर क्लासरूम चाहिए, वाईफाई चाहिए और लाइब्रेरी चाहिए सर। लाइब्रेरी में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सर अगर टॉयलेट करने भी जा रहे हैं तो ताला मार के जाते हैं। हमको सर एक बुक चेंज करवाना है तो हमको 2 सप्ताह से दौड़ा रहे हैं सर। ये सर लाइब्रेरी बस एक लाइब्रेरी वाले हैं सर। अगर प्रॉब्लम हो रहा ज्यादा तो 4-5 स्टाफ रखिए अपने अंदर। तो क्या स्टाफ की यहाँ पे कमी है जिसकी वजह से? बहुत सारा कमी है सर। एचओडी सर बोले कि आप रख लीजिए, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं। क्यों? उनका वो बोलते हैं वो हम संभाल लेंगे, अकेले संभाल लेंगे, लेकिन कुछ नहीं संभालते हैं। हम लोग का बुक नहीं, हम लोग कई मुद्दा लेके गए हैं सर, प्रिंसिपल सर के भी पास गए हैं और एचओडी सर के पास भी। और वाईफाई की आप डिमांड, वाईफाई वगैरह क्या प्रॉपर नहीं चलता है? प्रॉपर नहीं है ही नहीं सर, डिमांड हमारा डिमांड है ही नहीं सर। सर हम लोग का क्लास जो है ना सर, हम लोग जमुई का सर, हम लोग को पहले वाला अलॉट होना चाहिए। हमारा हम लोग का जो प्रॉब्लम है ये है ना कि मुंगेर का कॉलेज में जाके हमको यहाँ मुंगेर का जो क्लासरूम अलॉट हुआ है सर, मुंगेर का, उसमें जाके हम लोग को क्लास करना पड़ता है। मतलब क्या सर, हम लोग का जो जमुई का कॉलेज का कैंपस है, हम लोग उसके रूम में जाके पढ़ेंगे सर। सर मेरा नाम नित्यानंद कुमार है, जीएससी जमुई का स्टूडेंट हूँ सर। यहाँ पे सर जितना भी सिलेबस है ना, सिलेबस के अनुसार क्लास भी नहीं चलती है सर, टीचर की भी कमी है सर। अगर सर कोई सर ड्राइंग पढ़ा रहे हैं तो वो भी अगला सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, वो अलग सेमेस्टर में बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई होता है सर? नहीं चलता है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके पढ़ना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है, सर आप बोले ना सुनियो। उसके बाद क्या होता है कि देखो तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज है प्रशासन तो आएगा ही आएगा, तो डीएम का तो डीएम भी वही चीज बोला कि इसे अब तो तुम लोग करो कि हमको खाली कर दो, जमुई लखीसराय सब खाली कर दो, मुंगेर है लखीसराय है खाली कर दो। अरे भाई ये प्रोसेस रातों रात नहीं होता, या हफ्ता 2 हफ्ता में नहीं होता, ये सरकारी प्रक्रिया। डीएम भी आएगा तो जो मैं बोला हूँ यही बोला कि सरकारी प्रक्रिया के तहत ही सारा कुछ होगा। इसमें सुनो पर
दो महीना भी लग सकता है, चार महीना भी लग सकता है। तो थोड़ा सा एक चीज मान लो बाबू कि तुम लोग कम्प्रोमाइज करके, उसके बावजूद भी जब ज्यादा इरिटेट हो गए ये डीएम साहब तो वही बोले कि तुम लोग इतना ही फैसिलिटी है तो आईआईटी एनआईटी में क्यों नहीं गए या प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन करवाए। तो थोड़ा सा कमी तो तुम लोग में भी है, सुनो ना पहले बात सुनो, तो फिर तो सुनिए ना, फिर सुनो ना, सरकारी कॉलेज एडमिशन लो तो वाईफाई नहीं मिलेगा। नहीं 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 मिलेगा, नहीं नहीं जैसा की आप कह रहे थे की लोग जो है प्राइवेट में चले जाए यहाँ चले जाए, आखिर प्राइवेट में ये लोग क्यों जाए, यहाँ पे फैसिलिटी आखिर क्यों नहीं है, क्या फंड नहीं है या क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसा फैसिलिटी प्राइवेट में होता है सरकारी में थोड़ा सा उसे क्या अगर सरकारी कॉलेज में सुविधा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में आप जाने के लिए बोल रहे हैं तो फिर सरकारी कॉलेज की महत्व क्या है? महत्व ये जो उन्होंने वहाँ के जो डीएम जो बोले कि आपको इतना ही चाहिए कि हमारा अपडेट चाहिए, तो प्राइवेट में थोड़ा सा क्या होता है कि अपडेट सारा कुछ तो गवर्नमेंट में क्यों नहीं है, फंड नहीं है या क्या नहीं है? प्रोसेस होता है ना गवर्नमेंट में, थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है गवर्नमेंट में। जैसा कि एक बजे जैसे कि इनका डिमांड है लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी में खोलते और बंद भी करके चले जाते हैं लोग, सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है सरकारी, जब स्टाफ है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइवेट सरकारी में ये होता है कि प्राइवेट में अपडेट तुरंत, सरकारी में थोड़ा सा प्रक्रिया लगता है, प्रोसेस लगता है। लाइब्रेरी तो ऑलरेडी है तो आप को प्रक्रिया नहीं लगना है, तो फिर आखिर लाइब्रेरी में लोगों को पढ़ने में जो बता रहे दिक्कत होता है क्यों होता है? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, स्ट्रेंथ बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ता थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। लेकिन मेरा एक कैंसर ये आखिर बच्चे प्राइवेट कॉलेज में क्यों जाए, हम सरकारी कॉलेज में चाहिए? आपने भी बोला था प्राइवेट कॉलेज में, मैं इसलिए बोला हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में सब कुछ अपडेट पूरा हो जाता है, सरकारी में थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। सरकारी कॉलेज किस लिए खुला है? गरीब बच्चों के लिए खुला है? थोड़ा सा कम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। नहीं, सरकारी व्यवस्था में कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए आप। डीएम साहब क्या बोले कि हमारा ऑफिस में 10 बस स्टाफ कमी है, सुनिए डीएम साहब क्या बोले कि हमारा स्टाफ में 10 वो कमी है, तो क्या हम भी धरना पे बैठ जाएं? नहीं ऐसा होता, जब डीएम साहब कम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो लड़का। आपका आपका नाम क्या हुआ? राजकिशोर नाम हुआ। आप यहाँ पे किस पद पे हैं? हम प्रोफेसर यहाँ पे। जब डीएम कम्प्रोमाइज कर सकता है स्टेट का, उसमें लोग क्यों नहीं कम्प्रोमाइज करेगा? जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर